वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में एक और वीडियो कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम आईआईटी बीएचयू का डिसीजन साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे साथ आईआईटी बीएचयू के बहुत ही एक्टिव, जिनका ऑलरेडी इंटर्नशिप भी लग चुका है, प्लेसमेंट भी हो चुका है, साथ ही साथ कॉलेज के हर एक्टिविटी में वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ, लाइक एडमिशन प्रोसेस, इंटरव्यू एंड रिटर्न का क्या सिनारियो होता है, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है, एकेडमिक स्ट्रेस क्या है, ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसा है, हॉस्टल एंड मेस फीस, हॉस्टल एंड मेस की क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, और भी उनका लाइक 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे अपने जूनियरों को क्या क्या सजेशन रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ संकल्प के बारे में एक और ये खासियत बात है कि इनका बहुत गैप होने के बावजूद इनका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों लग चुका है, तो वो बहुत ही अच्छे से सब चीज़ों को बता पाएंगे। तो संकल्प, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस हिसाब से मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, आप लोगों से भी उसी तरह का सपोर्ट का उम्मीद कर रहा हूँ, ताकि इस चैनल को और बड़ा बनाया जा सके और किसी भी गेस्ट को बहुत ही ईजिली अप्रोच किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम आराम आराम से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो जिनको भी पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो संकल्प, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। मेरा नाम, जैसे कि आपने बताया, संकल्प जैन है। मैंने अपना बीटेक किया है वीआईटी यूनिवर्सिटी वेल्लोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरा बैच है 2017। उसके बाद आई प्रिपेयर फॉर द गेट, मतलब ऐसा था कि 1 साल 2 साल करते करते पता ही नहीं चला कि उस कुएं में कब अपन निकल गए और 4-5 साल निकल जाते हैं। तो उसके बाद फिर, मतलब मैंने 2022 में यहाँ पे डिसीजन साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मतलब मैं भी बहुत हेजिटेट कर रहा था पहले लेने से पहले, फिर मैंने देखा, कुछ समझा, सीनियर से पूछा, कुछ वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिला, उसके बेसिस पे फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया। और मुझे लगता है कि ये बहुत सही डिसीजन था मेरा इस चीज़ में लेने का। आपका बीटेक कब कंप्लीट हुआ था? मेरा 2017 में बीटेक कंप्लीट हुआ है। जैसे कि डिसीजन साइंस थोड़ा नया ब्रांच है, तो डिसीजन साइंस में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए? एक्चुअली ना, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, तो इसमें मोस्टली सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। मतलब बस ये है कि रिटर्न टेस्ट होता था, मेरे ईयर पे रिटर्न टेस्ट हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर पे रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ है, बट इस बार फिर से रिटर्न टेस्ट होने वाला है। तो बस बाकी तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपली, सिविल, ईसी, सारी ब्रांचे हैं हमारे जूनियर जो हैं वो सारी ब्रांच से बच्चे हैं। मीन्स किसी भी गेट, मीन्स कोई भी स्ट्रीम से गेट दे रहे हैं तो हम एलिजिबल हैं। हाँ, आप इवन आप एनवायरनमेंट जो साइंस जो होता है, मतलब एक्सी जो पेपर होता है, आप उससे भी दे सकते हैं, उसके भी गेट स्कोर पे इसको लिया जा सकता है। जैसे रिटर्न कैसा होता है? मींस सबसे पहले तो कितने गेट स्कोर वाले को कॉल आ जाता है कि आप रिटर्न के लिए एलिजिबल है? मतलब आपको कॉल आ जाएगा अराउंड 550 या 600 के आसपास आपको गेट स्कोर रहेगा तो कॉल आ जाएगा। और हाईएस्ट, मतलब हाँ, और हाईएस्ट जो है, मतलब आपको 800-900 रैंक इन मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ, उसका ही आइडिया था मुझे। तो मेरे टाइम पे 888 शायद हाईएस्ट रैंक थी जो बंदा यहाँ आया था, जनरल कैटेगरी। रैंक या स्कोर? नहीं, 888 रैंक था उसका, स्कोर शायद अराउंड 800 कुछ होगा। तो और जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और लास्ट जो था जनरल कैटेगरी वो मैं था, मेरा रैंक था 1936, गेट स्कोर था 633। हाँ, और उसके अलावा अगर आप ओबीसी हैं तो 2200 एक बंदे का है, उसका हुआ था, बाकी सबका 1100-1200 ऐसा ही है। उसके बाद जैसे रिटर्न टेस्ट होता है, तो रिटर्न में किस टाइप का रिटर्न टेस्ट होता है? आपसे जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एक सब्जेक्ट होती है मैकेनिकल में ऑपरेशन रिसर्च करके, तो उससे रिलेटेड है। उसमें सिंप्लेक्स हुआ, हंगेरियन हुआ, या फिर आपका क्यू वैल्यू निकालने का हुआ, पी चार्ट, एक्स चार्ट, वाई चार्ट, स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मेनली क्वेश्चंस थ्योरी रिलेटेड होते हैं, या फिर एक दो न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बट एज सच आपको कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे। डिसीजन साइंस जैसे बैकअप की तरह देखे तो किस ब्रांच से ज़्यादा रिलेटेड लगता है?
इट्स मोर मतलब ऐसे मिक्सचर है काइंडली, मतलब जैसे अपन देखा जाए तो ये मिक्सचर है आपका इसका सीएससी का और प्लस अपने मैकेनिकल का। जैसे सीएससी से इसके कोर्स करिकुलम में कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, नेटवर्क एंड ग्राफ थ्योरी हुआ, और अगर आप मैकेनिकल का देखो तो अपन जैसे सिंप्लेक्स एल्गोरिदम या ये ऑपरेशन रिसर्च में ये सब पढ़े हैं, तो इसका आगे का वर्जन है कि अपन ये पढ़े तो एमसीडीएम पढ़ोगे आप, स्टोकेस्टिक पढ़ोगे आप, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, तो ये काइंड ऑफ मिक्सचर है इन दोनों ब्रांच का, सीएससी का भी और मैकेनिकल का भी। जैसे लाइक रिटन में, हाँ रिटन एग्जाम होने के बाद मीन्स कितने परसेंटेज बच्चे को फाइनली इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं, और रिटन का कितना रोल होता है और इंटरव्यू का कितना रोल होता है? रिटर्न का ऐसा सीन था कि अराउंड शायद 300 या 200 बच्चों ने एग्जाम दिया था, रिटर्न एग्जाम दिया था, उसमें से 12 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था रिटर्न के बाद इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इनके पास 9 वैकेंसी अवेलेबल था, तो उसके बेसिस पे सेलेक्ट किया था, और उसका 9 वैकेंसी के बाद इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू जो लिया था हम लोग का वो मतलब 7 लोगों का पैनल बैठा था, है ना, 7 लोगों का पैनल था, और मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे, आपका बैकग्राउंड क्या है, वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बताइए, नहीं तो फिर आपसे जैसे सिंप्लेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, शैडो प्राइस पूछा था, डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सब क्वेश्चन जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद एक लिस्ट निकली थी जिसमें फिक्स होता है, मतलब कि अगर जैसे 9 या 8 सीट होती हैं तो 4 जनरल की होती हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की होती हैं और 4 ओबीसी की होती है, शायद 1 ईडब्ल्यूएस की और 4 ओबीसी की, तो 4 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, टोटल 9 सीट्स था। मींस 12 में से 9 बच्चे को फाइनली सीट ऑफर किया, 12 में से 9 बच्चे को फाइनली सीट ऑफर किया गया था। लाइक हर बच्चे का मेन मोटो कॉलेज में आने का, मोस्ट ऑफ द बच्चे का इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रहता है, फाइनली प्लेसमेंट रहता है, तो डिसीजन साइंस जैसा कि लाइक आपको क्या लगता है कि अंडर रेटेड है या ओवर रेटेड है या न्यूट्रली रेटेड है आईटीबीएचयू? मुझे लगता है कि इस ब्रांच का पोटेंशियल बहुत अच्छा है देखा जाए तो, क्योंकि इस ब्रांच का जो कैरिकुलम है, कोर्स कैरिकुलम है, वो सिर्फ 3 ही ब्रांच है और जो कॉलेज में मिलता है, पहला आई और बॉम्बे है और दूसरा है आईएमई कानपुर और तीसरा है इंडस्ट्रियल दिल्ली का और उसके बाद यहाँ का बीएचयू का, तो ये 4 ही ब्रांच है, इनका कोर्स कैरिकुलम बहुत अच्छा है। जैसे इसमें ना अपन मैथमेटिकल मॉडलिंग से रिलेटेड चीजें सीखते हैं, जैसे अपने को ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में जाना है या सप्लाई चेन में जाना है, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं, और अपन जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के थ्रू पढ़ते हैं, तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हुआ, डाटा साइंटिस्ट हुआ, तो उस फील्ड में भी जाया जा सकता है, तो एक डाइवर्स ब्रांच है। मुझे लगता है कि इसका पोटेंशियल एंड ग्रोथ बहुत अच्छा है अभी इस प्रस्पेक्टिव के हिसाब से अगर अपन देखें तो, जिस हिसाब से चीजें चल रही है मार्केट में। लाइक हम एक चीज पे पहले आते हैं फिर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की बात करेंगे। जैसे मैकेनिकल कंप्लीट कोर ब्रांच हो गया तो और भी कोई कोर ब्रांचेज हो गया, उससे ट्रांजिशन डिसीजन साइंस में कितना टफ होता है या फिर चीजों को मैनेज किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हम इम्प्रूव कर ले ताकि हम अच्छे से इस ब्रांच में क्या कर सके, अपने आप को मैनेज कर सके? मतलब अगर आप नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तो चीजें शुरू में थोड़ी सी टफ लग सकती हैं आपको, मतलब एक्चुअली इसलिए भी टफ लगेंगी कि जब आप यहाँ पे पढ़ोगे कुछ कुछ सब्जेक्ट तो आपको वो मैकेनिकल ऑपरेशन रिसर्च वाला वो पार्ट मिलेगा, जो आपको ग्राफिकल मेथड्स है, हंगेरियन मेथड्स है, वो सब इतना जल्दी नहीं आएंगे, बट वो चीज़ किया जा सकता है अगर आप जैसे महीने 1.5 महीने एक सब्जेक्ट में फोकस करोगे अच्छे से तो कर सकते हो। और इवन प्लेलिस्ट पढ़ी है यूट्यूब पे ऑपरेशन रिसर्च की, आप वो पढ़ोगे तो उनसे चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको पेस पकड़ने में थोड़ा तकलीफ हो महीने 1.5 महीने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं किया जा सकता, ये मतलब ऑल एंड ऑल अगर आप ट्राई करोगे, पुश करोगे तो बहुत जल्दी आप कवर कर लोगे और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कोडिंग सेक्शन भी इसमें है, लाइक कंप्यूटर साइंस का भी थोड़ा पार्ट है, तो फिर मैकेनिकल वाले उसमें ट्रांजिशन कर पाते हैं इजीली से? हाँ, तो कोडिंग का मतलब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको जब मैकेनिकल से आते हो, देखो मैं भी मैकेनिकल से था तो मुझे कोडिंग का सी का भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ के स्टार्ट किया, मतलब यहाँ आके आप जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं टीचर्स के थ्रू पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे उसके थ्रू पढ़ते हैं, तो आपको धीरे धीरे बेस बनता है, तो आपको 2-3 महीने लगते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपको बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। और इनफैक्ट कोडिंग में भी आपका बहुत अच्छे लेवल की जो कंपनी आती है अगर आप तैयारी करोगे तो अपने इस ब्रांच से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उन सब में बैठने के लिए और उन सबका आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। मेरे कहने का भी मतलब यही था कि बहुत सारे लोग हिचकते रहते हैं कि हम एडमिशन ले या ना ले, मतलब जीरो कोडिंग से स्टार्ट करके आप आराम से अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इस ब्रांच को मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी के बारे में, इंटर्नशिप का क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहा यहाँ पे, किस टाइप की कंपनी विजिट की, कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग गया,
कितना मीन्स क्या बोल सकते हैं, मंथली स्टाइपेंड बोले या स्कॉलरशिप बोले, मीन्स कितना ऑफर किया गया, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। मतलब इंटर्नशिप का ऐसा था कि जब हम एमटेक में पहले दिन आए थे तो ऑलमोस्ट उसके 3-4 दिन बाद ही अमेजन आ गई थी और सैमसंग ये कंपनी आ गई थी। ये हमारे लिए ओपन थी क्योंकि डीएससी और सीएससी का ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसके लिए ओपन थी ये। लेकिन तब हमको आइडिया नहीं था स्टार्टिंग की, शुरू के 2 दिन में तो हम लोग रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद धीरे धीरे हमको पता चला कि हाँ कंपनियां मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही आती हैं एमटेक में इंटर्नशिप हायर करने के लिए, तो फिर हमने ट्राई किया कोडिंग करने का और कुछ कुछ कोर में ही बैठे। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले बैठे थे बजाज ऑटो में, तो हमारे में से 3 बंदों का रिटर्न क्लियर हुआ था और फाइनल 1 बंदे का सिलेक्शन हो गया था बजाज ऑटो में। तो उसका स्टाइपेंड था 45,000, वो 2 मंथ का इंटर्नशिप था, वो कोर में लगा था, उसका पुणे लोकेशन था। उसके बाद फिर हम थोड़े दिन बाद एक कंपनी आई थी अराउंड सेप्टेम्बर में आई थी, उसका नाम था HSBC था। तो HSBC में हम लोग 4 लोग बैठे थे, मतलब हमारी ब्रांच से, DSE से और भी कई ब्रांच से बैठे थे और हम 4ों का हो गया था उसमें, मतलब 5 लोग बैठे थे एक्चुअली और 4 का हो गया था, 1 बंदे का नहीं हो पाया था। और वो 6 मंथ की इंटर्नशिप थी, वो डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए आए थे और उसका स्टाइपेंड था 65,000 ए मंथ। और उसके अलावा 1 बंदे का हमारे यहाँ, मतलब 2 बंदों को ऑफ कैंपस मिला है, 1 को अडानी में मिला है ऑपरेशन रिसर्च सप्लाई चेन फील्ड में ही, और 1 बंदे को यूनाइटेड एयरलाइंस में मिला है और वो भी ऑपरेशन रिसर्च इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाले फील्ड में ही है, और उन दोनों का भी स्टाइपेंड अराउंड 35-40 के ही आसपास है। और तो देखा जाए तो हमारे पास 8 बंदे हैं टोटल, 8 में से 7 बंदों को इंटर्नशिप मिल गया था। यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर आप डिसीजन साइंस लेने का सोच रहे हैं तो गेट रिजल्ट आते ही आप प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि आप यहाँ आते ही आपका रिटर्न टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो आपका प्रैक्टिस पहले से होगा, तो आप अच्छी अच्छी कंपनी का मीन्स रिटर्न क्लियर करके इंटरव्यू निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल मीन्स वो करके नहीं आते हैं तो फिर यहाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर चीज़ों को उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। कितने परसेंटेज बच्चे का क्या बोल सकते हैं PPO कन्वर्जन हो गया था? हाँ, PPO मतलब ऐसा था कि 8 में से 7 लोगों का हमारा इंटर्नशिप था। हाँ। तो 7 में से मतलब मार्केट का रिसेशन था इसलिए भी थोड़ा दिक्कत था। तो HSBC में हमारे में 1 को PPO ऑफर हुआ था और 1 को वो अडानी वाले को ऑफर हुआ था PPO, तो 2 लोग को ऑफर हुआ था PPO, बाकी 7 में से हाँ 2 लोग का PPO ऑफर हुआ था। क्या अभी प्लेसमेंट पे आते हैं, प्लेसमेंट का कैसा सिनारियो रहा, किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रही, किस किस प्रोफाइल के लिए कंपनी विजिट की, डिसीजन साइंस किन किन कंपनी में एलिजिबल थी, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। तो मेनली जो डिसीजन साइंस है वो हम लोग का मतलब आपके 2 सेक्शन में आप जा सकते हैं। एक तो आप कोडिंग वाले पार्ट में जा सकते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर का आइडिया है या एकदम हार्डकोर कोडिंग करनी है तो वो CSE के साथ बैठ सकता है या इलेक्ट्रिकल के साथ बैठ सकता है, उन कंपनियों के लिए कम्पीट कर सकता है। और एक जो हमारी ब्रांच का कोर फील्ड है जो सप्लाई चेन है, जैसे लॉजिस्टिक्स हुआ आपका, उससे रिलेटेड आप फील्ड में जा सकते हो। तो और दूसरा आप कोर में भी जा सकते हो, मतलब मैकेनिकल के साथ तो हो ही आप पार्ट में, तो मैकेनिकल वाली कंपनी में भी जा सकते हो। तो हमारे केस में जो है 8 बंदे हैं हम, तो 8 बंदे में से 2 बंदों का ओला इलेक्ट्रिक में हुआ है, 1 का ओला इलेक्ट्रिक DSE मतलब AI वाले फील्ड में हुआ है, 1 ओला इलेक्ट्रिक कोर वाले में हुआ है और 1 बंदे का रिलायंस में हुआ है कोर में, 1 का हुआ है हीरो मोटोकॉर्प इसमें भी कोर में हुआ है, 1 का एक्सटीरिया में हुआ है वो डाटा साइंटिस्ट के उस पर रोल पे हुआ है, 1 लड़की है उसका हुआ है इस ऑप्टिम में हुआ है उसका, हाँ उसका ऑप्टिम में हुआ है, और वो एक्चुअली ऑप्टिम हमारी मेन कोर ब्रांच है जो सप्लाई चेन की है, तो उसका उसमें हुआ है। और मेरा जो है हीरो फिनकॉर्प में हुआ है डाटा साइंटिस्ट के रोल पे, और 1 बंदे के पास जो अडानी से उसको PPO मिल ही गया था, वो भी ऑपरेशन रिसर्च फील्ड में हुआ है। तो ऑल एंड ऑल आपको कुछ कुछ कोर कंपनियां हैं जो आप उनमें जा सकते हो, जैसे रिलायंस हुआ, हीरो मतलब हीरो मोटोकॉर्प हुआ। उसके अलावा आप जो डिसीजन साइंस की जो कोर कंपनियां हैं, जैसे सप्लाई चेन की कोर कंपनियां हैं, जैसे ऑप्टिम हुआ, ऑर्मे हुआ, या फिर O9 सॉल्यूशन, यूनाइटेड एयरलाइंस, इन सब में भी जा सकते हो। मतलब कुछ कुछ कंपनियां जो नहीं आई हैं आप उनमें ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। इस फील्ड का मतलब मेनली फायदा यही है कि आप ऑफ कैंपस भी आप अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके अलावा तो डाटा साइंटिस्ट की कंपनियां तो हैं जो आई थी। जैसे कि एक चीज़ है मैं जानने का कोशिश करना चाहूँगा कि अगर हम डिसीजन साइंस ले रहे हैं और मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो हम मीन्स कोर कंपनी में भी एलिजिबल होते हैं जो कोर मैकेनिकल के लिए आ रही है? हाँ, मतलब
एक्चुअली ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, मतलब जैसे कोई भी कंपनी आती है तो वो बोलती है कि आपको कि मैकेनिकल हम एलो करते हैं, तो हमारे पास बीटेक मैकेनिकल बैकग्राउंड से होता है, तो बीटेक मैकेनिकल बैकग्राउंड से होता है तो आपके लिए वो कंपनी आती है तो वो खुल जाती है, मतलब वो बोलती है कि हमको मैकेनिकल का बंदा चाहिए, तो आप इस हिसाब से उसमें बैठ सकते हो। बाकी मतलब ये हो सकता है कुछ कुछ कंपनी अलाउ भी नहीं करे, वो टीपीआर टीपीवी या प्लेसमेंट ऑफिस के ऊपर होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, उनसे बात करना होता है, अगर वो चाहें तो ओपन भी हो सकता है और वो नहीं चाहें तो ओपन भी नहीं भी हो सकता है। अगर पैकेज की बात करें तो मैक्सिमम पैकेज क्या रहा, मिनिमम पैकेज क्या रहा, एक एवरेज पैकेज क्या रहा, इसके बारे में बताएं। सो हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ से गया है 37 लाख और मिनिमम गया है 12 लाख, और बाकी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सबका अराउंड 17 से 18 लाख का पैकेज रहा होगा। हाँ अभी तक हम बोल सकते हैं डिसीजन साइंस का 100% प्लेसमेंट हो चुका है। हाँ 100% प्लेसमेंट हो चुका है, हम 8 बंदे हैं, 8ों का प्लेसमेंट हो चुका है। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें कि कितना अपॉर्चुनिटी प्लेसमेंट के टाइम में डिसीजन साइंस को अवेलेबल था या बच्चा ही कम पड़ गया, हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इस बार प्लेसमेंट का सीन सब जगह उतना अच्छा तो नहीं रहा, तो हमारे बैच में भी मतलब इतना अच्छा तो नहीं रहा कि मतलब जैसे हमारे जूनियर्स थे उन्होंने हमसे, वो सीनियर्स थे उन्होंने हमसे ज़्यादा एग्जाम्स दिए थे, हमसे ज़्यादा मतलब एग्जाम्स क्लैक हुए थे, तो हम लोग के पास ऐसा था कि सबका तीन चार रिटर्न निकला हुआ था, मतलब सबका ऐसा था 2-3 रिटर्न तो सबका था, इंटरव्यू था, तो उसके बेसिस पे सबका मतलब फर्स्ट फेज में 8 में से 7 बंदों का हो गया था, एक मेरा ही रह गया था क्योंकि दो जो कंपनियां जिनमें मैं लास्ट में बैठा था उनका सेकंड थर्ड राउंड क्लियर हुआ था, बट उसके बाद HR राउंड में बाहर हो गया था एक में, और एक में मतलब थर्ड राउंड में बाहर हुआ था, तो उसके अलावा जो फिर बाद में जो कंपनियां आई तो उनमें मेरा सेकंड फेज में मेरा हुआ था, बाकी फर्स्ट फेज में सबका हो गया था। और ऑलमोस्ट मतलब अगर आप जिस फील्ड में जा रहे हो, अगर आप उसमें जैसे कोडिंग स्किल आपका अच्छा करोगे, एप्टीट्यूड अच्छा करोगे, तो ये चीजें उस पर भी है, और प्लेसमेंट में कुछ कुछ लक भी होता है, मतलब आप शॉर्ट श्योर तो नहीं हो सकते कि हो ही जाएगा। अगर मैकेनिकल और डिसीजन साइंस ब्रांच का कंपेयर करें अभी के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, तो डिसीजन साइंस को आपको कैसे देखते हैं मैकेनिकल के कंपेरिजन में, ज्यादा डायनामिक, ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, कैसे आप देख रहे हैं ITBHU? इस ब्रांच में मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है क्योंकि इसका जो वर्क डोमेन है वही बहुत अच्छा है, मतलब आप सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इस वाले में जाते हो और ये फील्ड मतलब हम पर्सनली मुझे तो बहुत एक्साइट करता है, तो इसलिए और ब्रांचों में देखा जैसे IUR बॉम्बे में जो कंपनी आती है या IIM कानपुर में आती है, इंडस्ट्रियल दिल्ली में आती है, तो उसी से रिलेटेड आप लोगों को कंपनियां मिलती हैं, और ये जो है इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, अगर आप थोड़ा भी कमांड करके रखेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इवन मैं फॉरेन में आपको PhD में अब्रॉड करने के लिए भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मतलब इस वाली ब्रांच से तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छी मिल सकती है। जैसे कि एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करना चाहूँगा कि आपका गैप अच्छा खासा रहा है, मीन्स BTech के बाद MTech के बीच में, तो प्लेसमेंट में उसका क्या इम्पैक्ट रहा, आपने गैप को कैसे मैनेज किया, कंपनी गैप को किस तरह से देख रही थी, आप एलिजिबल हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं स्टार्टिंग में एडमिशन ले रहा था MTech में तो मेरे भी दिमाग में यही था कि 5 साल का गैप है, कंपनी में कर भी लूँगा MTech, क्या पता कंपनी बैठने देगी नहीं देगी, क्या सीन है, मतलब अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर ये 2 साल वेस्ट हैं, कुछ और कर लेते हैं, बट फिर भी मैंने इन सब चीज़ों का साइड रख के मैंने कहा कि करते हैं। फिर यहाँ आके जब मैंने बैठा तो मुझे पता चला कि नॉन कोड जो मेनली कंपनियाँ आती हैं वो उनके लिए गैप मैटर ही नहीं करता है, मतलब उनके लिए आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अगर आप इंटरव्यू निकाल लोगे, आप HR राउंड तक जाओगे तो आप बहुत अच्छे से HR को कन्विंस कर सकते हो कि गैप इतना मैटर नहीं करता जितना आपके पास स्किल सेट है। कोर ब्रांचेस का मैं कह सकता हूँ कि उनका बैरियर होता है, वो स्टार्टिंग से ही आती हैं, जैसे बजाज ऑटो का था, मेरा इंटर्नशिप का रिटर्न क्लियर हुआ था, मैं इंटरव्यू में पहुंचा था, बट जब उसका मेन जो ऑफर फुल टाइम ऑफर के लिए हायर करने वाली आई थी तब उसने बैरियर लगा दिया था कि 2 साल से जिनका ज्यादा गैप है वो एलिजिबल नहीं है, तो कुछ कुछ कंपनियां ऐसे वॉल्वो आइशर हुआ या ये हुआ कि इन जो कोर कंपनियां हैं उनमें गैप जरूर मैटर करता है, बाकी नॉन कोर वाले में गैप मैटर नहीं करता, और आपके पास स्किल सेट है तो आप कहीं नहीं रुकने वाले हो, आप बहुत अच्छे से प्लेस हो पाओगे। अगर हम डिसीजन साइंस के एकेडमी की बात करें तो किस टाइप का एकेडमी है, क्लासेज लेक्चर की क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या हमें चीज़ें सीखने को मिलता है, या फिर खुद से ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, क्लास में क्या नया सीखने को मिल रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा। सो अगर अपन इसका मेनली सिलेबस देखें तो अपने को फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो पढ़ाया जाता है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है, और मल्टी डिसीजन क्राइटेरिया मेकिंग MCDM पढ़ाया जाता है, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, और उसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, और उसके बाद मशीन लर्निंग पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ें आप पढ़ोगे और उसके बाद खुद से भी तैयारी आप साथ साथ करते रहोगे तो आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा।
उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर आप आओगे तो आपको स्टोकेस्टिक मॉडलिंग होगा, आपका प्रोडक्शन एंड एनालिसिस वाला एक पार्ट होता है, वो एक सब्जेक्ट होता है पढ़ाया जाता है, उसका नेटवर्क एंड ग्राफ थ्योरी होता है, वो वन ऑफ द मोस्ट मतलब यहाँ पे आप लर्निंग सब्जेक्ट है मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें आपको ग्राफ के साथ साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग सीखने को मिलती है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च एरिया है मेन वो उसी से डोमेन से रिलेटेड है, तो उस सब्जेक्ट से आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये सारी सब्जेक्ट अगर आप मिला दिया जाए, उनको आप खुद से पढ़ोगे, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप खुद से भी एफर्ट डालोगे, और टीचर्स भी यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ कुछ टीचर्स तो काफ़ी मतलब एकदम ऐसा क्लोज टू बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा चीज़ों को पकड़ने में, ग्रेस्प करने में। और अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो किस टाइप का एग्जाम होता है, लाइक कितना CGPA तक इजीली मेंटेन किया जा सकता है, और अगर प्लेसमेंट दृष्टिकोण से देखें तो हमें कितना CGPA तक मेंटेन रहना चाहिए ताकि हम हर कंपनी के बैरियर को क्रॉस कर सकें। CGPA तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, मेनली तो यही है। हमारे ब्रांच में मतलब ऐसा था कि CGPA बनाना उतना टफ हमको तो नहीं लगा, क्योंकि सारे ने मेहनत किया बराबर से, तो सबको उसका रिजल्ट भी मिला, तो हमारे में मिनिमम CGPA 9 है और हाईएस्ट CGPA 10 out of 10 है, तो और उसके बेसिस पे हमको बहुत फायदा हुआ। मतलब कंपनी अगर आ रही है तो अगर वो बैरियर लगाती हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां वो बैरियर लगाती है कि 8.5 से ऊपर का CGPA चाहिए, 9 से ऊपर का CGPA चाहिए, तो आप उसमें डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होते हो, तो CGPA का बहुत फायदा है। और आप मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करके चलोगे तो आप बहुत अच्छे से मतलब काफ़ी अच्छा CGPA मेंटेन कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। अगर लाइक हम स्ट्रेस की, एकेडमिक स्ट्रेस की बात करें, तो जैसे बहुत सारे लोग का रहता है कि हम साथ में साथ एमटेक भी एज ए बैकअप कर रहे हैं और भी किसी चीज़ का साथ में हम प्रिपरेशन करेंगे कॉलेज जाके, तो क्या आपको लगता है कि IIT BHU के डिसीजन साइंस इंजीनियरिंग में एमटेक करते हुए उन चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं इजली? मेरा मानना है कि आप अगर यहाँ आ रहे हो, इस ब्रांच के लिए आ रहे हो, तो आपके पास इस ब्रांच का बर्डन तो रहेगा। मतलब मैं इतना नहीं कि मतलब बहुत कुछ सीखने को है, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को है, डिफरेंट फील्ड है, मतलब और चीज़ों से काफ़ी डिफरेंट फील्ड है, तो आप अगर दो चीज़ों को, मुझे तो कम ही चांसेस लगते हैं कि आप एक साथ कोप अप कर पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड भी करता है आप कैसे करते हो। बट अगर आप इस ब्रांच के लिए आ रहे हो तो इस ब्रांच का खुद का ही पोटेंशियल इतना है, आप यहीं एफर्ट डालोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे, बाकी अगर आप कर सकते हो दो की तो कर लेना, नहीं तो यही बेटर है। अगर हम लैब फैसिलिटी या फिर मीन्स और भी जो भी हमें रिसोर्स चाहिए होता है वो सब अपडेटेड हमें मिल पाता है? हाँ, सॉफ्टवेयर्स आपको लैब में अपडेटेड मिल जाएंगे, और मेनली अपना काम ना यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लैपटॉप पे होता है, तो लैपटॉप आपके पास होता ही है, और सॉफ्टवेयर जो है अपने को कॉलेज जो है वो डोमेन प्रोवाइड कराई देता है, बाकी आपको एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो मतलब आपके पास हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए अपने गाइड या प्रोफेसर्स होते हैं, तो आप उनसे काम हो जाता है। बाकी हम लोग के पास दो तो लैब अवेलेबल हैं 24/7, आप जब आओ उनमें काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटते हैं, पहला कि प्रोजेक्ट का प्लेसमेंट के इंटरव्यू में क्या रोल रहता है, और दूसरा हम प्रोजेक्ट गाइड कैसे चुने ताकि हमारा थोड़ा एमटेक स्मूथ चले और लर्निंग भी रहे उस प्रोजेक्ट का, हमारे फ्यूचर अपकमिंग मींस हमारे अपकमिंग फ्यूचर में उसका हमेशा हमें वो काम आए कहीं इंटरव्यू में, तो प्रोजेक्ट गाइड या प्रोजेक्ट कैसे चुने, और प्रोजेक्ट का डिसीजन साइंस के इंटरव्यू में क्या रोल होता है? मेनली आप जो एमटेक का प्रोजेक्ट होता है वो एक साल का प्रोजेक्ट होता है, एमटेक में एक साल का कोर्स करिकुलम होता है, एक साल का पूरा प्रोजेक्ट होता है, और प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा रोल होता है। मतलब अगर आपसे किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में आप बैठोगे तो वो फर्स्ट थिंग यही पूछेंगे कि आपका मेजर थीसिस किस में है, तो आपके थीसिस पे ही आपको कम से कम 15-20 मिनट से ऊपर तो ग्रिल करेंगे अगर वो आधे घंटे से ऊपर का इंटरव्यू है, तो आपको प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, और जिस फील्ड में भी आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो उस फील्ड में मतलब आपको उस डोमेन का नॉलेज होना ही चाहिए। और रही बात कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, प्रोफेसर कौन सा चूज करना चाहिए जिस गाइड के अंदर आप काम करेंगे, तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मतलब हर एक जो गाइड हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी अलग अलग जो है डोमेन में एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है, तो आप जिससे भी रिलेटेड, जैसे इंडस्ट्रियल से रिलेटेड पढ़ोगे, या फिर आपको सप्लाई चेन से रिलेटेड पढ़ना है, या फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ना है, या मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क ये सब से रिलेटेड आपको जाना है, तो इसमें प्रोजेक्ट में आपको करना है काम, तो आप उसी हिसाब से गाइड चूज कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे आएंगे तो मतलब टीचर्स को देखेंगे, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन किस फील्ड में है और मेरा किस से एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलाइन करता है, उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं। अगर ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें IIT BHU में एमटेक के लिए, तो ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसा है, हॉस्टल और मेस की क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। कैंपस लाइफ तो IIT BHU का बहुत हैपनिंग है, मतलब यहाँ इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, इतना स्पोर्ट्स कल्चर रहता है, तो हम लोग तो हर इवेंट हर स्पोर्ट्स कल्चर में भाग लिए हैं,
और पूरा मतलब बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे से होता है। बाकी फैसिलिटी वाइज मैं कहूँगा कि और जो IITs हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल मेंटेन्ड है, हमारा थोड़ा उतना मेंटेन्ड नहीं है। तो अगर आप बहुत हाई होप या हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं कि इतना अच्छा सब कुछ मिलेगा यहाँ पे ऐसा, तो उतना आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। बट ये कि आपको उतना बुरा भी नहीं मिलेगा, मतलब आप एक बार उसकी आदत हो जाएगा, मतलब शुरू में लगेगा कि कहाँ आ गए कैसी जगह है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसका आदत हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और मतलब हर कोई बहुत हेल्पिंग नेचर का है, चाहे अपना डिपार्टमेंट हो, प्रोफेसर्स हो या फ्रेंड सर्कल जो आप बना रहे हो यहाँ पे, तो इसलिए फिर आपको ओवरऑल इंजॉय करोगे इस लाइफ को। तो हॉस्टल और मेस फैसिलिटी के बारे में बताया कि हॉस्टल में कितने लोगों को अलॉट होता है, मेस का खाना कैसा होता है, वेज नॉन वेज दोनों होता है, इन सभी चीज़ों पर। फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि हॉस्टल हम लोग को ट्रिपल बेड अलॉट हुआ था, और उसके अलावा जो है मेस का खाना, मतलब ठीक है आपको यार मेस ही है वो, आप जितना खाओगे थोड़े दिन ही अच्छा लगता है, उसके बाद तो फिर आपको उतना तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी यहाँ खाना वैसे ठीक है, मतलब ऐसा बुरा तो नहीं है। और सेकेंड ईयर में हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम डबल बेड चूज कर सकते हैं, किसी नए हॉस्टल में जा सकते हैं, और या फिर ट्रिपल बेड में हम सेम हॉस्टल में रह सकते हैं। तो सभी ने यही डिसाइड किया था कि सेम हॉस्टल में ही रहेंगे, तो फिर हम वहां से गए नहीं, और वही सेम मेस है, सब कुछ है टोटल अगर हम फी की कॉलेज बात का। करें तो मतलब 1.5 ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, 1.5 लाख तक आपका 2 साल एमटेक कवर अप हो जाएगा और 12,400 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता ही है। हाँ ये तो है, बस मतलब आपका मेनली सारा खर्चा कवर हो ही जाएगा, और इतना कोई वो भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे खर्चा होने वाला है, क्योंकि बनारस सिटी और वाइब इसका बहुत अलग है, तो यहाँ चीजें मैनेज की जा सकती है। अगर हम हायर स्टडीज की बात करें तो IIT BHU में डिसीजन साइंस के हिसाब से किस टाइप की हायर स्टडीज की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, फिर कॉलेज का क्या क्या टाई अप अवेलेबल है और भी क्या क्या फैसिलिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। आप अगर PhD करना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो मतलब ऐसा ही होता है कि MTech के बाद आप MTech प्लस PhD आप यहीं से कन्वर्ट करा सकते हैं। फर्स्ट ईयर MTech के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी ब्रांच में आपको PhD परस्यू करना है, तो वो 4 साल का प्रोग्राम होता है कि मतलब फर्स्ट ईयर के बाद आप कन्वर्ट कराओगे तो 3 साल और, तो आपको MTech प्लस PhD की डिग्री मिलती है। या फिर आप यहाँ 2 साल के बाद आप यहाँ से PhD भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कौन गाइड है आपका, उससे कैसा मतलब इक्वेशन है उसके हिसाब से। बाकी इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ के बाद अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, या फिर आपका रिसर्च पेपर जो यहाँ से आप पब्लिश करके जाओगे, या फिर उस डोमेन का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हो IIT बॉम्बे ट्राई कर सकते हो आप, या फिर IIM कानपुर ट्राई कर सकते हो। मतलब उस अगर आप सप्लाई चेन के फील्ड से जाना चाहते हो, अगर आप डाटा साइंटिस्ट के फील्ड से भी जाना चाहते हो, तो आप उस भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो PhD के लिए। और यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके काफ़ी अच्छे कनेक्शन होते हैं, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कनेक्शन होता है, टाई अप होता है। अगर आप चाहोगे कि मतलब अच्छा करना है सर मेरे को फॉरन से यहाँ पे करना है, तो आप पूछ सकते हो, तो हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर दें, आप फॉरन से भी PhD के लिए ऑप्ट कर सकते हो आप। मतलब डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और प्रोफेसर से उस फील्ड में कितना उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसा कि संकल्प ऑलरेडी आपने 2 साल लगभग लगभग यहाँ बिता चुके हैं, सारी चीज़ें देख चुके हैं, बहुत ही सिस्टम को बहुत ही नज़दीक से देख चुके हैं, प्लेसमेंट के सारे एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हुए थे, फिर ब्रांच का जो भी डिसीजन लेना होता था उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे, तो 2 साल के एक्सपीरियंस एकेडमिक में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आपने मीन्स देखा होगा कि क्या क्या कमी रह गई जो हम आराम से मैनेज कर सकते थे, तो आप अपने जूनियरों को आपके हिसाब से क्या एडवाइस रहेगा कि वो क्या क्या कर ले कॉलेज में आके, ऐसे इस सब तरह को इस तरह से मैनेज करे ताकि उनका अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाए, कॉलेज लाइफ भी अच्छे से चले, तो आपका क्या सजेशन रहेगा अपकमिंग जूनियरों को? मेनली जो भी यहाँ आना चाहता है, मुझे लगता है एमटेक के बाद मतलब शायद 60 से 70% बच्चा जो है वो प्लेसमेंट के हिसाब से जाता है कि प्लेसमेंट कैसा है देखना है उसके हिसाब से। तो अगर आप मतलब कॉलेज लाइफ आप इंजॉय करेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ना पहले से थोड़ा बहुत कोडिंग आप पढ़ के आ सकते हैं, कोडिंग तैयार करके आ सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मेनली आपका एप्टीट्यूड बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप अगर बैठोगे ना, अगर मान लो आप 40 कंपनियों को रिटर्न दे रहे हो, तो 40 में से कम 10 कंपनियां 15 कंपनियां ऐसी होंगी जो आपको एप्टीट्यूड के बेसिस पे रिटर्न क्लियर करेंगी, तो आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप उस दो की प्रिपेयर कर सकते हो। और बाकी आप अगर इस ब्रांच के रिलेटेड देखो, तो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है ऑपरेशन रिसर्च है वो वाला, इसका मतलब काइंड ऑफ प्रीरिक्विजिट है कुछ कुछ मतलब चीज़ों के लिए, तो आप वो पढ़ के आ सकते हो। बाकी तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मशीन लर्निंग वो तो आप यहाँ के सीख जाओगे, तो यही दो चीज़ हैं। संकल्प बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जितना चीज़ वो जानते थे उसको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ डिलीवर करने का कोशिश किए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा।
इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए संकल्प बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं और संकल्प टाइम मिलने के अकॉर्डिंग आंसर करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हम दोनों के लिंक्डइन प्रोफाइल से भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ भी आपको जो क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।